देवभूमि क्षेत्रीय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर ने सोलन में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि उनका संगठन चाहता है कि देश में जातिगत आरक्षण को हटाया जाए और केवल आर्थिक आधार पर ही आरक्षण मिले। उन्होंने कहा कि आरक्षण की वजह से आज देश में असमानता फैल रही है। उन्होंने कहा कि स्वर्णों की लड़ाई 10% आरक्षण पाने की नहीं थी, वे चाहते थे कि आरक्षण का आधार आर्थिक आधार पर हो और अगर राजनीतिक दल इस पर विचार नहीं करते हैं तो स्वर्ण समाज लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करेगा। उन्होंने कहा कि एट्रोसिटी एससी एसटी एक्ट पर भाजपा सरकार ने जो यू टर्न लिया है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वे चाहते हैं कि भाजपा इस निर्णय को वापस ले। अगर वे अपने घोषणा पत्र में इसे नहीं डालते हैं तो सभी स्वर्ण समाजों से वे अपील करती है कि वे चुनावों का बहिष्कार करें। हमारा मूल उद्देश्य है लोकसभा चुनाव में जो जिस विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं और उसी में देवभूमि क्षत्रिय संगठन ये मांग करता है कि 10% आरक्षण जो इस देश में लागू किया गया, हमारी ये मांग नहीं है और ना ही हमारी लड़ाई है। हम मांग करते हैं कि इस देश में जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर लागू किया जाए और जिसकी जिसका हर उस वर्ग, हर उस जाति, हर उस धर्म के व्यक्ति को, हर उस गरीब परिवार के व्यक्ति को, उस परिवार को इसका लाभ पहुँचे। लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा हमारे समाज की बात नहीं की जाती, हमारी मांगों को नहीं माना जाता, तो अपने मत का प्रयोग, अपने उन लोगों की चिंता करते हुए अपने मत का प्रयोग करें और हो सके तो नोटा का प्रयोग करें या चुनाव का बहिष्कार करें। हम लोग ये मांग करते हैं कि एट्रोसिटी एससी एसटी एक्ट के कुछ केंद्र की सरकार ने जो अध्यादेश इसमें लाया था उस अध्यादेश को वापस ले और पूर्ण रूप से हर जाति, हर वर्ग में समानता का अधिकार को बरकरार रखें। इस लोकसभा चुनाव के चलते हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा सीटों के खिलाफ अगर हम लोग अपना आंदोलन छेड़ेंगे तो गांव-गांव जाकर लोगों को हम लोग जागरूक करेंगे, स्वर्ण समाज के लोगों को, कि इन चुनाव का बहिष्कार करें और अपने मत का प्रयोग सही मायने में रखें।